أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم वेलकम टू निमल फैशन। कैसी हैं गर्ल्स, कैसी मेरी ब्यूटी फैमिली? जी जनाब, तो उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार दुरुशी पढ़ के कॉमेंट बॉक्स में डन लिख दें, जजाकिल्ला। जी जनाब, तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में आपको वो तमाम आइडियाज़, तमाम कलर्स, डिज़ाइंस मिल जाएंगे जो आप सर्दियों के कपड़ों में बना सकती हैं, जैसे कि खद्दर का ड्रेस है, लीलन है, धनक है, मरीना है, कॉटन है। तो इसमें सारे डिज़ाइंस हैं कि आप अपने प्रिंटेड ड्रेसेस को कैसे और प्यारा बना सकती हैं, कि आपने प्रिंटेड ड्रेस लेने हैं और इन पे जो है ऐसी डिज़ाइनिंग कर लेनी है। और ये डिज़ाइनिंग जो है वो सारी ब्रांडेड है, ये ब्रांड्स के ड्रेसेस हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो बिन सईद के ड्रेसेस हैं और उसके अलावा भी काफ़ी ड्रेसेस हैं। तो ये ड्रेसेस जो है वो, ये डिज़ाइनिंग जो है वो टेलर्स ने की हुई है। तो जो इस वीडियो में टेलर्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर उनके पास कोई कस्टमर आता है प्रिंटेड ड्रेस लेके तो उन पर कैसी डिज़ाइनिंग की जाए, और अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। जो लोग स्टिचिंग जानते हैं उनको तो बनाना बहुत आसान है कि डिज़ाइन से, किसी में समोसा उन्होंने बना के लगाए हुए हैं, किसी में कटवर्क का काम है, किसी में डोरी है और किसी में शटल लेस लगाई हुई है। और आपको एक टिप है कि अगर आप जो गोटा पट्टी आती है गोल्डन और सिल्वर, उनके साथ भी डिज़ाइनिंग की हुई है, बहुत प्यारी लगती है ड्रेसेस के साथ। उसका कलर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे किसी में अगर आपके ड्रेस में गोल्डन शेड है तो आप गोल्डन गोटा पट्टी लगाएंगी, और अगर वाइट सी शेड है और सिल्वर है ड्रेस ब्लैक है तो आप उस पर सिल्वर गोटा पट्टी लगाएंगी। तो जी जनाब, तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और वीडियो देखते देखते आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि ड्रेस को डिज़ाइन करना कोई खासा मुश्किल काम नहीं है। बस आपने देखना है कि आपका अगर ड्रेस प्रिंटेड है तो इसमें ज़्यादा प्रोमिनेंट जो कलर है आपने उसके साथ का प्लेन फैब्रिक लेना है, उसके साथ डिज़ाइनिंग कर लेनी है। बहुत इजी काम है ये, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो आपने देखना होता है कि आपके ड्रेस में कौन सा कलर ज़्यादा हाई वो डोमिनेंट है, और आपने वो उसका मतलब पिक कर लेना है और उसका प्लेन फैब्रिक लेना है। और अगर डिज़ाइनिंग करनी है तो मैं आपको बेस्ट यही है कि आप कोई फैंसी कपड़ा लें रेशमी, उसके साथ डिज़ाइनिंग करें, उसके साथ डोरियाँ बहुत अच्छी निकलती हैं, उसके साथ समोसे जो लगाते हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं, कटवर्क बहुत अच्छा होते हैं। तो बस ऐसे आप हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करके आप अपने ड्रेस को मज़ीद प्यारा बना सकती हैं। व्यूअर्स, आपको ये भी बताते चलूँ कि मेरे चैनल पर इसके अलावा काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं, धनक और खद्दर के ड्रेसेस की अलग से वीडियोस हैं, बाजुओं की अलग से वीडियोस हैं और ट्राउज़र की अलग से वीडियोस हैं। अगर आपको इनके अलावा देखनी है तो आप मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं, मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ। अल्लाह हाफिज़।